हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो A18 में आप अलार्म कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी फ़ोन में क्लॉक ऐप में चले जाना है। क्लॉक में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे अलार्म पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अलार्म सेट करने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको अलार्म के लिए टाइमिंग सेट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर मैं 5 बजे की टाइमिंग सेट कर देता हूँ। तो ऐसे आपको टाइमिंग सेट कर लेनी है, AM PM सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। और अगर आपको एक बार के लिए अलार्म सेट करना है तो रिंग वंस पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपको और दिनों के लिए या फिर डेली के लिए सेट करना है तो कस्टम पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप कस्टम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको डे सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिल जाएगी। आपको जिस भी दिन के लिए अलार्म सेट करना है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और रिंगटोन पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट, तो यहाँ से रिंगटोन सेट कर सकते हैं। जो भी रिंगटोन सेट करनी है आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है और रिंगटोन सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइब्रेट। अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए अलार्म में तो इसे ऑन कर देंगे, नहीं तो इसे ऑफ कर देंगे। और अगली ऑप्शन है स्नूज की, तो स्नूज पर क्लिक करके यहाँ से इसे ऑन कर देना है। इसका फ़ायदा यह है कि जब आप एक बार आपके फ़ोन का अलार्म बजेगा तो आप उठ नहीं पाएंगे, तो एक बार फिर से वो रिंग करेगा, तो जब आप उसे बंद कर देंगे तो फिर दोबारा रिंग नहीं करेगा। तो ये जो टाइमिंग है इंटरवल की, तो जो भी टाइमिंग सेट करेंगे उस टाइम के बाद फिर से साउंड करेगा अगर एक बार में आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो इसका फ़ायदा ये है। तो यहाँ पर ऊपर डन पर क्लिक कर देंगे तो अलार्म सेट हो जाएगा।